जी बच्चों, 8th क्लास। अब हम बायो के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने प्रोफेज बड़े अच्छे से समझ ली थी, अब हमारे पास है मेटाफेज। सम स्पिंडल फाइबर्स नॉन एज काइनेटोकोर फाइबर्स। कौन सी स्पिंडल फाइबर जिनका नाम है जी काइनेटोकोर फाइबर्स बिगेन सर्चिंग फॉर काइनेटोकोर ऑन क्रोमोसोम्स टू अटैच देमसेल्व्स। अब वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो अब सेल के अंदर जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ढूंढना शुरू हो गई हैं किस चीज को, काइनेटोकोर को। काइनेटोकोर क्या है? बेसिकली एक पॉइंट है या एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो काइनेटोकोर पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर में, ये काइनेटोकोर पॉइंट है। क्रोमोसोम वो वाले काइनेटोकोर फाइबर जिन्होंने इस पॉइंट पे अटैच होना है वो इसको ढूंढना शुरू हो जाएंगे और यहाँ आकर अटैच हो जाएंगे। जब काइनेटोकोर फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोसोम, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको हम साथ ही साथ सेंट्रोमेयर भी बोलते हैं। सेंट्रोमेयर के ऊपर ही एक पॉइंट होता है काइनेटोकोर पॉइंट का, काइनेटोकोर प्रोटीन का, जिसको काइनेटोकोर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अरेंज एंड सर्व अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। तो सेल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है कि वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इक्वेटर के अरेंज, इक्वेटर के जो अकॉर्डिंगली जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर लेंगे, अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे, ये देखिए ऐसे प्लेट वाला स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। फिर हमारे पास है एनाफेज। व्हेन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम इट स्टार्ट पुलिंग टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। अब ये देखें ऐसे करके ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था और यहां से और यहां से इसके साथ जो है वो क्या चीज अटैच हो गई थी, दैट वाज ये वो स्पिंडल फाइबर्स थी। दोनों तरफ से ये जो थ्रेड्स हैं ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ, दोनों पीछे पीछे को खींच रहे हैं। अब होगा क्या, सेपरेशन हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये वाला जो एक आर्म है, ये वाला, ये इसके हिस्से में आ जाएगा और ये वाला जो है ये इस वाले के हिस्से में, तो ये इस तरह की शक्ल बना लेंगे ऐसे। यहां से क्योंकि सेंटर से वो उसको जोर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे। The pulling force divide the chromosome sister chromatids. ये दोनों, ये ऐसे एक और ये दूसरा sister chromatids थे, इसने इनको separate कर दिया और इस वक्त ये sister chromatids जो है वो sister chromosomes अलग होकर ये chromosome का की power ले लेते हैं। They are pulled apart by shortening of the काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, जहां से वो आया था, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, उसी तरफ उसको खींच के ले जाएगी। एट द एंड ऑफ एनाफेज सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू ग्रुप एट अ रिस्पेक्टिव पोल। अब एंड पे सेल के पास सेपरेट एक अपनी क्या होगी, क्रोमोसोम्स होंगी, ये दोनों इसके स्टेजेस हैं, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे है टेलोफेज। अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट टू दी प्रोफेज। प्रोफेज में अगर आप रिकॉल करें तो क्या क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हुआ था, या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म होगा, बनेगा। अब आपको मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल ऐसे लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, वो प्रोफेज में कंडेंस होकर ऐसे एक हाईली स्प्रिंग नुमा क्वाइल हुआ हुआ स्ट्रक्चर उसने बनाया था जिसको हमने क्रोमोसोम कहा था। अब इस वाले में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये वापस पैक होके लूज होके ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, क्रोमेटिन में पहले वो क्या हुआ था, फोल्ड हुआ था, पैक क्वाइल अप होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था, पहले ये हुई थी चीज और अब ये अब अनफोल्ड हो जाएगा वापस न्यू। अब जब ये सारा कुछ हो जाएगा देन दैट मीन्स कि न्यूक्लियर डिवीजन इज कम्प्लीटेड। ये देखें ऐसे क्रोमोसोम वगैरह सारा कुछ बना हुआ है और हर सेल के इर्द गिर्द ये देखें ये वाले, ये आपके पास टेलोफेज है,
यहाँ पे सारी क्रोमोसोम्स वगैरह बन चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हर एक सेल के जो मटेरियल था उसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमैटिन में ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए और इसके इर्द गिर्द ये न्यूक्लियर एनवेलप भी बन गई है. सो हियर इन दिस वे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वी हैव साइटोकिनेसिस व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.